हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक चालकता। किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना विद्युत चालकता कहलाता है। जब भी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है तो वह इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाती है। यह प्रोसेस दो मेथड्स के द्वारा होता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन, दूसरा आयनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इसलिए हम इसको मेटेलिक कंडक्शन भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। इसमें इनमें रासायनिक परिवर्तन के बिना ही केमिकल चेंज नहीं होता है और विद्युत प्रवाहित होती है। इनमें रासायनिक परिवर्तन के बिना ही विद्युत प्रवाहित होती है। अब सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स में विद्युत प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो हम सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं उसमें यदि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो केमिकल रिएक्शन होती है। सो दिस टाइप ऑफ कंडक्शन या और दिस टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये पदार्थ जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वे फ्यूज स्टेट या उनके जली विलयनों में ही विद्युत के वाहक होते हैं। इन पदार्थों में हम डायरेक्ट ऐसे करंट पास करें तो विद्युत के वाहक नहीं होते हैं ये, तो या तो इनकी गलन अवस्था होनी चाहिए या इनका जलीय विलयन होना चाहिए, तभी ये विद्युत के वाहक होते हैं और ये वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ना विद्युत धारा के प्रभाव में जो हमारा हो रहा है, विद्युत धारा के प्रभाव से किसी आयनिक कंपाउंड का अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी आयनिक पदार्थ में, तो यदि उसका अपघटन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है, जब भी किसी आयनिक कंपाउंड के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हमारा कहना है कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इस प्रोसेस में ये पदार्थ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मतलब जो आयनिक कंपाउंड का जलीय विलयन है उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनते हैं और वैद्युत विभव के प्रभाव में जो हमारा पोटेंशियल उत्पन्न होता है, जब भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो पोटेंशियल वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ तो उसके प्रभाव में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने ये विपरीत आवेशों के इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करने लगते हैं। मतलब हमारे जो जलीय विलयन है उसमें हम इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, जो कि मैं भी आगे आपको दिखा रही हूँ डायग्राम, तो वैद्युत प्रभाव के प्रभाव में आयंस विपरीत आवेशों के इलेक्ट्रोड्स की ओर मूव करने लगते हैं और इस प्रकार ये आयंस विद्युत के चालन मतलब इलेक्ट्रिक को कैरी करने में सहायक होते हैं। इसमें क्या होता है, धन आवेशित आयन जो कि कैथोड की ओर माइग्रेट करते हैं को हम कैटायंस कहते हैं, एवं नेगेटिव आयंस जो एनोड की ओर माइग्रेट करते हैं उनको हम एनायंस कहते हैं। दीज आयंस विच माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स ऑफ अपोजिट चार्ज आफ्टर रीचिंग देयर, मतलब जो आयंस माइग्रेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंचने पर अपने आवेश त्याग कर उदासीन अणु अथवा परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम के द्वारा इस सारा जो मैंने अभी बोला है वो समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि ये हमारे बीकर है, इसके अंदर किसी भी आयनिक कंपाउंड का विलयन हमने लिया, जलीय विलयन। अब हमने इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हैं, एक एनोड और एक कैथोड, और इसको हमने सेल से जोड़ दिया। जैसे ही हम सेल से जोड़ेंगे तो सेल से जोड़ते ही क्या होगा, अब इसमें जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और विद्युत धारा प्रवाहित होते ही जो आयनिक पदार्थ का जलीय विलयन हमने लिया है उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनने शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बनने के तुरंत बाद विद्युत धारा के प्रभाव से पॉजिटिव आयंस जो हैं वह कैथोड की ओर, मतलब पॉजिटिव आयंस जो कैथोड की ओर माइग्रेट हो रहे हैं उसको हम कैटायंस कह रहे हैं और नेगेटिव आयंस जो कि एनोड की ओर माइग्रेट हो रहे हैं उनको हम एनायंस कहते हैं। और ये कैटायंस और एनायंस जो कि अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स की ओर माइग्रेट कर रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद, मतलब कैथोड कैटायंस कैथोड पर पहुँचने पर, एनायंस एनोड के पास पहुँचने पर अपने आवेश को त्याग कर उदासीन अणु अथवा परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, दिस इज द
आयंस बन रहे हैं और आयंस का माइग्रेशन हो रहा है। मेटेलिक कंडक्शन में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। जो मेटेलिक कंडक्शन हमने बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बताया, उसमें क्या इलेक्ट्रिक जो चल रही है, विद्युत का जो प्रवाह हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिसिस में ये किसकी वजह से हो रहा है, आयंस के मूवमेंट के कारण हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है और एक आयंस के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। एज आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि आयंस क्या है, वो सॉल्यूशन के चार्ज पार्टिकल्स हैं, सो बाय माइग्रेशन ऑफ आयंस नॉट ओनली न केवल विद्युत का प्रवाह होता है बट ऑल्सो मास गोज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मास भी काफी मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स, जो कि हमने बताया कि आयनिक कंडक्शन में होता है। ठीक है, जब हमने बताया कि माइग्रेट हो रहे हैं आयंस, अब हम माइग्रेशन ऑफ आयंस को समझते हैं। आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस को हम समझे कि कैसे माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेशन ऑफ आयंस, आयंस आर नोन टू एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब जो आयंस है वो विलयन में उपस्थित, जैसे ही हम विलयन बनाएंगे तो आयंस उपस्थित होंगे उसके अंदर, एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस दे आर डिस्चार्ज्ड, जो अभी हमने बताया, एट अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। दिस शोज दैट आयंस माइग्रेट टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ आयंस कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम समझा सकते हैं आपको, जो कि हम आपको बताते हैं सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम आपको इसको समझा सकते हैं, दैट इज द माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसके द्वारा आप देखें कि हमने क्या किया, एक यूट्यूब ली है जिसको हम बताना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आयंस माइग्रेट कर रहे हैं, वो हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बताना चाह रहे हैं। हमने एक यूट्यूब ली, उसके अंदर हमने क्या किया, उस यूट्यूब के अंदर हमने कॉपर परमैंगनेट का विलयन लिया। इस यूट्यूब के अंदर हमने कॉपर परमैंगनेट CuMnO4 का होल ट्वाइस का हमने विलयन लिया, जो कि नीले रंग का होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं या हम बता दें आपको कि कॉपर प्लस टू आयंस का जो कलर होता है वो होता है नीले रंग का, और MnO4 माइनस आयंस का कलर जो होता है वो होता है पर्पल कलर का। ठीक है, अब हमने यूट्यूब में क्या लिया, कॉपर परमैंगनेट जो कि नीले रंग का है। ठीक है, अब हमने इसके दोनों ट्यूब्स के ऊपर इस यूट्यूब में दोनों भुजाओं में, ए में और बी में, दोनों में हमने कलरलेस रंगहीन HNO3 का विलयन डाल दिया है। हमने क्या डाल दिया, HNO3 का विलयन, और इन दोनों ही भुजाओं में हमने इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक में एनोड और एक में कैथोड। और इसको हम जब से ही, पहले हमने इलेक्ट्रोड पुट कर दिए इसके अंदर, और अब जैसे ही इसको हम सेल से कनेक्ट करते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके अंदर। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है, थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे, मतलब हमने कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रिक को हमने पास होने दिया, इलेक्ट्रिक के पास होने के बाद थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं कि एक एक भुजा में, मतलब आप कहेंगे कि भुजा ए में नीला रंग, जी क्योंकि ये क्या, ये हमारा HNO3 है, तो कलरलेस है, यहाँ पे यहाँ भी हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है। अब देखते हैं जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो भुजा ए में तो नीला रंग दिखाई देने लग जाता है और भुजा बी में पर्पल कलर दिखाई देने लग जाता है। और हमने आपको शुरुआत में बताया अभी स्टार्टिंग में ही कि कॉपर प्लस टू आयंस ब्लू कलर के हैं और MnO4 माइनस आयंस पर्पल कलर के हैं, तो क्या दिखाई, मतलब यहाँ नीला रंग आ रहा है भुजा ए में और बी में पर्पल कलर आ रहा है, मतलब भुजा ए में क्या हो रहा है, कौन से आयंस माइग्रेट कर रहे हैं, कॉपर प्लस टू आयंस, मतलब प्लस आयंस से कैटायन है जो कि कैथोड की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पे पर्पल कलर आ रहा है, मतलब नेगेटिव आयंस है, एनायंस है जो कि एनोड की तरफ जा रहा है। मतलब बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हम ये भी पाएंगे, पहले तो हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि एक भुजा में नीला रंग हो रहा है चढ़ रहा है ऊपर और एक भुजा में पर्पल कलर चढ़ रहा है, मतलब आयंस आर माइग्रेटिंग। माइग्रेशन ऑफ आयंस हम समझाना चाह रहे हैं आपको, मीन्स आयंस आर माइग्रेटिंग। और बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करने पर हम ये भी पाएंगे कि एक भुजा में जो कलर है वो थोड़ा ज्यादा है और एक भुजा में कलर है जो थोड़ा कम है, मतलब आयंस जो है वह सेम स्पीड से माइग्रेट नहीं करते हैं। तो हम जो इन्फ्रेंस, जो हमने निष्कर्ष निकाले इसके बाद में, वो हम आपको बता दें, वी कैन से दैट डिफरेंट आयंस मूव विथ डिफरेंट स्पीड्स। दो आयंस है जो हमने कहा, चूंकि दोनों भुजाओं में जो कलर है एक में थोड़ा ऊंचा है और एक में थोड़ा नीचा है, तो वी कैन से दैट डिफरेंट आयंस मूव विथ डिफरेंट स्पीड्स। माइग्रेशन ऑफ आयंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ आयन, टेम्परेचर एंड अप्लाइड वोल्टेज।
In general, speed of migration increases by increasing temperature and voltage. Speed of hydrogen ions is maximum, that is 33.3 into 10 to minus 4 centimeter per second. That's all for today.